नमस्कार, आप देख रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड इंडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी अक्सर करके देश के प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहते हैं और ऐसी ही एक खबर सीधे निकल कर आ रही है। और इस बार राहुल गांधी ने जीडीपी का मुद्दा उठाया है और जीडीपी को लेकर बीजेपी की सरकार पर जम करके हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें, राहुल बोले हैं, मोदी सरकार का ऐतिहासिक विकास, जीडीपी -7.7% प्रति व्यक्ति आय -5.4%, बेरोजगारी दर 9.1%। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी आज पूरी तरह से मैदान में तमाम आंकड़े लेकर के उतरे हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद निश्चित ही बीजेपी की सरकार भी डर जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी निरंतर उन तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं जिससे कि किसी भी तरह से बीजेपी के खिलाफ हमला बोला जा सके, और ऐसा ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बार जीडीपी को लेकर के मुद्दा बनाया है और उन्होंने बीजेपी की सरकार को यह एहसास दिलाया है कि देश की जीडीपी बेहद ही खराब सिचुएशन में जा रही है। बता दें, देश की खस्ता हालत जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार का ऐतिहासिक विकास, जीडीपी -7.7% पर चली गई है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी -5.4% पर चली गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बेरोजगारी को जो निशाना साधा है, उनका यह कहना है कि बेरोजगारी देश में 9.1% पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी पूरी तरह से देश की गवर्नमेंट को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और वो देश की गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आखिर हमारा देश की अर्थव्यवस्था की इस टाइम पर कैसी हालत है। तो कुल मिलाकर देखना है कि अब देश की बीजेपी सरकार किस तरह से राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब देती है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।